दोस्तों सलमान भाईजान की फिल्मों को लेकर जहां पर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे बज रहता है, वहीं दोस्तों उनके आने वाले सिक्वल्स यानी कि उनकी जो ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं उनके सिक्वल्स को लेकर भी काफ़ी लोगों में बेकरारी छाई रहती है। और उन्हीं फिल्मों में से एक है टाइगर 3 द फाइनल मिशन। जी हाँ, अगर आपने फिल्म एक था टाइगर या टाइगर जिंदा है, उसके बाद इनकी जो सीक्वल्स आ रही है, जो कि सीक्वल्स की दो सीरीज आ चुकी है और तीसरी सीरीज आने की देरी है, तो इस सीरीज को लेकर कुछ बड़ी अपडेट आई है और लोगों में इस फिल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रेज था। वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आखिरकार क्या बड़ा खुलासा हुआ है, क्या इसको लेकर तैयारियाँ चल रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं राउंड वाल न्यूज। सबसे पहले बात कर ली जाए तो आप लोग जानते होंगे कि पहले कबीर खान ने एक था टाइगर डायरेक्ट की थी। जी हाँ, एक था टाइगर कबीर खान ने डायरेक्ट की थी। उसके बाद टाइगर जिंदा है जो फिल्म है वो भारत फिल्म के डायरेक्टर, जी हाँ, अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट की थी। अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट की थी, जो कि भारत फिल्म सलमान खान के साथ की और उस फिल्म को खुद अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट की थी। वहीं दोस्तों आप लोग जानते होंगे कबीर खान को फिलहाल अलग कर दिया गया था। सलमान खान के बीच कुछ उनकी कुछ बातें हो गई थी, जैसे कि आप लोग जानते होंगे ट्यूबलाइट फिल्म आई थी जो कि कबीर खान के डायरेक्शन बनी थी। वो फिल्म जो है सो कि कबीर खान की कुछ गलतियों की वजह से फ्लॉप हो गई थी, लोगों ने उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया था उस फिल्म को और इसीलिए सलमान खान ने उनके साथ काम करना छोड़ दिया था और धीरे धीरे उनके बीच दूरियाँ पैदा हो गई। वहीं दोस्तों अब ये खबरें निकल के आ रही है टाइगर 3 द फाइनल मिशन की तैयारी में लोग जुटे हुए हैं इस फिल्म को लेकर मेकर्स, जिसमें आदित्य चोपड़ा इसकी स्क्रिप्ट पर वर्क कर रहे हैं। जी हाँ, टाइगर 3 द फाइनल मिशन, जो कि सलमान खान इसके परफेक्ट रोल उनका बैठता है और इसीलिए टाइगर 3 द फाइनल मिशन की तैयारी में जुटे हुए हैं और इसकी स्क्रिप्टिंग पर काम हो रही है। इन दिनों सोशल मीडिया पर ये खबरें आ रही है। वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो आदित्य चोपड़ा इस फिल्म की स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद अब ये खबरें निकल के आ रही है कि कबीर खान के साथ, यानी कि कबीर खान ही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। वैसे बात कर ली जाए तो जितने भी सलमान खान के साथ थे ट्यूबलाइट को छोड़कर, जितने भी कबीर खान ने फिल्में की हैं वो सभी ऑलमोस्ट जितने भी हैं ब्लॉकबस्टर साबित रही हैं और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि एक था टाइगर को भी कबीर खान ने ही डायरेक्ट किया था और इस फिल्म को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था फैंस की तरफ से। भले ही टाइगर जिंदा है जिसको अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट किया, वो भी फिल्म काफ़ी अच्छी साबित रही, बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। लेकिन दोस्तों अब फिल्म फाइनली आदित्य चोपड़ा की स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद ये फिल्म की जो स्टोरी कॉन्सेप्ट है वो कबीर खान के पास जाने वाली है और कबीर खान इस फिल्म के डायरेक्शन को अपने हाथ में लेंगे और इस पर क्या स्टोरी में बदलाव करना है नहीं करना है वो तो मायने उस वक्त देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो आदित्य चोपड़ा इस यानी कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स और इस फिल्म के जो राइटर्स जो इस तरह से स्क्रिप्ट लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह से प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स ही इस बात का निर्णय करते हैं कि आखिरकार इसका डायरेक्शन किसके हाथ में जाए। अब ये देखना दिलचस्प होता है कि क्या कबीर खान के हाथों में आदित्य चोपड़ा अगर इसका डायरेक्शन देते हैं क्या सलमान खान उनके साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे। वैसे दोस्तों टाइगर 3 द फाइनल मिशन को लेकर आप लोगों का कितना इंतज़ार और टाइगर 3 द फाइनल मिशन को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन दोस्तों जैसे इस पर ऑफिशियली जानकारी आती है तो हम आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग इस बात के लिए निश्चिंत हो जाए क्योंकि इस फिल्म की जो स्टोरी है वो इसके स्क्रिप्टिंग पर वर्क स्टार्ट हो चुका है। आदित्य चोपड़ा ने इसके का स्क्रिप्टिंग पे वर्क स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों ये फैंस के लिए काफ़ी अच्छी खबर है क्योंकि राधे के बाद कभी ईद कभी दिवाली, फिर हो सकता है कि टाइगर 3 द फाइनल मिशन भी आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ किक 2 साजिद वाजिद जो हैं सो किक 2 और रजत अरोरा के साथ मिलकर इसकी किक 2 पर भी वर्क कर रहे हैं। ये भी अब इनसाइड सोर्सेज खबरें निकल के आ रही है। फिलहाल टाइगर 3 द फाइनल मिशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा बज़ देखा जा रहा है, जो कि इस इन दोनों ये खबरें निकल के आ रही है कि कबीर खान इसका डायरेक्शन करने वाले हैं। आखिरकार आदित्य चोपड़ा कबीर खान सलमान खान के कहने पर कबीर खान के साथ इस फिल्म की स्क्रिप्ट को साझा करेंगे या उनको डायरेक्शन उनके हाथों में देंगे, ये तो देखना दिलचस्प होगा। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या कबीर खान को इस फिल्म के डायरेक्शन के लिए उनके हाथों में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आपका क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।